नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। चंपावती नगरी चांचौड़ा में विराजे गणपति। चांचौड़ा में जगह जगह गणपति की स्थापना की गई। गणेश चतुर्थी के मौके पर श्रद्धालु प्रतिमा को लेने के लिए ढोल नगारों के साथ लेने बाजार में पहुंचे, जहां डीजे की धुनों पर नाचते श्रद्धालु देखे गए। चांचौड़ा में तकरीबन 20 जगह पर गणेश जी की स्थापना की गई है। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। SC ST एक्ट के विरोध में अशोकनगर में किया गया सामूहिक मुंडन। जितने सांसद संसद में हैं, इतने ही लोगों ने मुंडन कराया। इसमें युवा से लेकर बुजुर्ग तक ने मुंडन कराकर SC ST एक्ट में किए गए संशोधन का विरोध किया। वहीं मुंडन के बाद सांसदों की शव यात्रा भी निकाली गई, जिसमें जिन लोगों ने मुंडन कराया था वह सभी लोग अर्थी लेकर चल रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। SC ST एक्ट के विरोध में शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना एवं हस्ताक्षर अभियान। नगर पालिका के पास SC ST एक्ट के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना एवं हस्ताक्षर अभियान पर बैठे सर्व समाज के लोग। वहीं धरना स्थल पर राजनीतिक पार्टियों के लिए संदेश भी लिखा गया था, जिसमें समस्त राजनीतिक पार्टियों से वोट मांगकर हमें शर्मिंदा न करें, वहीं ऐसा लिखा गया था। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि ये काले कानून के समान है, जिसको सरकार को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो इस देश की अखंडता और एकता को खतरा होगा। वहीं धरने पर बैठे लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि अब की बार किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। हमें तो हाथ में।
वो जो रहने हुए हैं वो देश की अखंडता के लिए हम प्रयासरत हैं, अखंडता बनी रहे। एससी एसटी एक्ट कानून लागू किया है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में संशोधन करने के बाद, तो उससे देश के बहुत से टुकड़े हो जाएंगे, हर जाति अपना एक अलग क्षेत्र बांटने लगेगी। गांव में भी हम लोग रह रहे हैं बहुत प्रेम से, हिंदुस्तान के इतिहास का टाइम से गाँव का माहौल भी खराब हो चुका है इस एससी एसटी एक्ट को आने के बाद। आज गरीबों को कोई दो रुपये की मदद नहीं कर रहा है एससी एसटी वालों को, और स्वर्ण लोगों को कोई काम करने की मदद नहीं मिल रहा है। जब तक इसको तरीके से संशोधित करके जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो लागू नहीं किया जाता, जब तक हम लोग क्रमिक हड़ताल पे, आज हम रोहित समाज के लोग बैठे हैं, कल पंडित समाज के, ऐसे प्रतिदिन सर्व समाज के लोग इस धरने पे बैठे हैं। गुना में पहली बार सिग्नल तोड़ने पर हुई चालानी कार्रवाई। आपको बता दें कि गुना से ग्वालियर जा रही बस हनुमान चौराहे के सिग्नल की अनदेखी कर आगे निकल गई थी, जिसको ट्रैफिक इंचार्ज ने आगे जाकर रुकवाया और उस पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही बस में फर्स्ट एड बॉक्स एवं महिला सीट न होने के कारण भी चालानी कार्रवाई की गई। गुना में यह पहला मामला है जिसमें सिग्नल तोड़ने पर चालानी कार्रवाई की गई है। ये वाली गाड़ी जिसका नंबर नहीं है ना, आगे तो नहीं है ना, ड्राइवर नहीं है क्या? बस पर सिग्नल तोड़ने पर एमवी एक्ट की धारा 119/177 के तहत 500 रुपये का चालान किया है। बस में फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं था, 500 रुपये का चालान उस पर भी किया गया है। इस तरह 1000 रुपये का चालान हुआ है। मैं आपने अंदर जाकर देखा तो क्या क्या कमी मिली थी बस में? फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है, बस पर महिला सीट लिखा होना चाहिए वो भी नहीं है। चूँकि हम ये सारी बसों पर एक साथ कार्रवाई करेंगे, अभी उनमें फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, महिला सीट भी होना चाहिए, और भी बहुत सारे नियम जो लागू होना चाहिए यात्रियों के हित में वो है या नहीं बस में। हिंदी दिवस के मौके पर लॉ कॉलेज में आयोजित की गई परिचर्चा। लॉ कॉलेज में हिंदी दिवस के मौके पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी के ऊपर लॉ कॉलेज के छात्रों ने अपने अपने उद्बोधन दिए। सभी मनाते हैं और बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे देश में अधिकतर मात्रा में जो भाषा का उपयोग होता है वो भाषा होती है हिंदी। हिंदी का उद्गम कैसे हुआ? जब अरेबियन अरब के जो क्षेत्र के लोग हिंदुस्तान में आए थे, लिखी गई है, मैंने भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है। LKG UKG से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक हिंदी मीडियम में किया और अभी भी हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ आके सर के प्रेशर में या अपनी इच्छा से या कुछ जानने समझने की आगे बढ़ोतरी करने के लिए अपने करियर में इंग्लिश को भी अपने विचार प्रकट किए, पर मैं हिंदी के बारे में एक शब्द, एक बात, क्या वाकई में आप लोगों को हिंदी आती है? हिंदी कैसी? या तो बहुत विशिष्ट हिंदी और सामान्य हिंदी सभी भाषाओं का संमिश्रण, उसमें उर्दू भी है, उसमें फारसी भी है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें इंग्लिश भी है। इसलिए हिंदी बहुत क्रिएटिव, बहुत रचनात्मक है। और कोई हमारे छात्र जो हिंदी पर मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के फॉर्म भरे गए। आज नगर पालिका के द्वारा शहर के 3 स्थानों पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्टॉल लगाए गए, जहां उन सभी मजदूरों के फॉर्म भरे गए। आधार कार्ड, आधार कार्ड,
पर जो फोटो पिंच कर देना यार, पिंच कर देना। कैंप हमने नगरी क्षेत्र के बीजी रोड और के नीचे लगाया है, सेनाई गार्डन के पास में और ये असंगठित मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना है, इसके ये फार्म ले रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से मार्मिक समाज के लोगों से लिए जा रहे हैं, ये छूट रहे हैं। और वो क्या है, सभी लोगों को ले रहे हैं, उनके भी ले रहे हैं, सभी लोगों को ले रहे हैं और बाकी लोग जो लोग ले रहे हैं उनके कोई छूटे ना इसमें, मतलब ये जो बाकी कोई छूटे ना है, ये सभी लोगों के ये जो आवेदन फार्म ले रहे हैं। कैंप जो आपने लगाया है ये मतलब हर एक उसमें लग जाएगा क्या, वार्ड बाई वार्ड में? जी वार्ड बाई वार्ड कैंप पहले भी लगाए गए थे और डोंडी पिटवा कर लगाए गए थे और अभी जारी है लगना। जिले में बढ़ता अपराध, आए दिन कोई ना कोई अपराध हो ही रहा है और पुलिस केवल पुराने वारंटियों को पकड़ने में व्यस्त है। मकसूदनगढ़ लटेरी के बीच सरोजनी गांव के पास बाइक सवार से मारपीट कर 1.5 लाख रुपए की लूट की गई, जिसमें 8-9 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। 100 नंबर पुलिस ने घायलों को मकसूदनगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। लटेरी थाना क्षेत्र की घटना, अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। लूट मार कभी जा रस्ते में कौन सी जगह? जहाँ सोचने के मकसद के बीच में। अच्छा, क्या क्या सामान गया है इनका? इनका 1 किलो का कर दो ना, आधा तोला की नथ, आधा किलो आधा तोला की दोलनिया सोने की और आधा किलो की जो आंवला पाँव के। अच्छा, तो और भैया की एक ढोलनिया, एक खंगाली, आधा किलो खंगाली। कितने लोग थे आपके इनके साथ? दोनों भैया थे, दो बच्चे का नहीं थे इनके साथ में, एक भाई एक भैया। दोनों क्या नाम है, क्या नाम है उनका? उधम सिंह गुड्डी भाई। दो मोरा बच्चा थे, दो बच्चा है इनके। कहाँ के रहने वाले हैं? नया नगर के। कहाँ से कहाँ पर जा रहे थे? ये रावगढ़ से मिलने गई थी राखी रक्षाबंधन के मायके में, वो जहाँ लेने आया था भैया हमारे गांव से। कौन सी जगह? जहाँ मकसूदनगढ़ी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर जहाँ रास्ते में लूट मार थे जीवन की। अच्छा, कौन लोग थे उनको जानते हो पहचानते? जानते हैं, सोनी खिलाने साहब। अच्छा, लड़का पहचान लेगा। नाम जानते हो क्या उनके? नाम नहीं जानते खाली, वो बांध बांध के बिन्ने सोचने चला गया साहब। कितने लोग थे वो? 9 लोग थे, 3 गाड़ी थी उनके पास। लगभग कितने की लूट हुई है आपके साथ? 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए? हाँ। कब की घटना है ये? जे 5:30 बजे। अच्छा, मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।